Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th Revision. In that exercise 5.5 question number 2. Let line segment PQ be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? So dear students, you can see that here first one I draw the line segment PQ and on that XY line segment that is on perpendicular. Okay, so what is the measure of angle PAY? It will be 90 degree. Okay, why? Because here the right angle is made. Okay, third question. There are two set square in a box. What are the measure of the angles are formed at their corners? Do they have any angles measure there in common? One set square has a 45, 90 and 45 degree and other set square has a 60, 90 and 30 degree. They have a 90 degree as a common angle. Okay, ye set square ke dono angle ke ye measurement honge and dono mein 90 degree hai wo कॉमन एंगल होगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4th. स्टडी द डायग्राम एंड द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. ओके, यहाँ पे दो लाइन है एल एंड एम, उसमें ये एल है वो एम पे परपेंडिकुलर है. फर्स्ट क्वेश्चन है डज पीई बाइसेक्ट सीजी? यस, बोथ मेजर टू यूनिट. यस, वो बाइसेक्ट करिए क्योंकि उसकी दोनों साइड टू यूनिट है. सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है इज सीई इक्वल्स टू ईजी? क्या सी ई एंड ई जी इक्वल है? तो यस, क्योंकि दोनों साइड टू यूनिट है. सेकंड, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी? यस. ओके, सी ई इक्वल्स टू ई जी हो जाएगा, इसलिए वो बाइसेक्ट करते हैं. थर्ड, आइडेंटिफाई द टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो वो हो जाएंगे डी एफ सी जी एंड बी एच. आर दिस ट्रू? ये हमें बताना है. ए सी ग्रेटर देन एफ जी? यस, ट्रू होगा. सी डी इक्वल्स टू जी एच? वो भी ट्रू होगा. बी सी लेस देन ई एच? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 इन दैट थर्ड क्वेश्चन. Name each of the following triangles in two different way. You may judge the nature of the angles by observation. Dear students, यहाँ पे हमें figure दिए हैं एंड उसकी साइड का मेजरमेंट दिया है. एंगल का किसी का दिया है, किसी का हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से एज्यूम करना है एंड उसके नेम देने हैं बाय टू डिफरेंट वेज. ओके, तो फर्स्ट वन है उसकी ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल है एंड एक डिफरेंट है, तो वो हो जाएगा आइसोसेलेट्स ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, बी है उसकी तीनों साइड डिफरेंट है एंड एक एंगल है वो राइट एंगल है, तो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. सी वन उसकी दो साइड सेम है, थर्ड नहीं दिया है एंड एक एंगल का हमें एज्यूम करना है, वो पता चल रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेट्स ट्राइंगल होगा. उसी तरह ये जो बाकी के क्वेश्चन है वो हमें सेम वे में करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. हमें मैथस्टिक्स दिए नंबर ऑफ, उसमें से हमें बताना है कि ट्राइंगल बनेंगे या नहीं एंड उसका टाइप भी बताना है. सो फर्स्ट वन है 3 मैथस्टिक्स, तो उससे ट्राइंगल बन पाएगा? यस, विद द हेल्प ऑफ 3 मैथस्टिक वी कैन मेट दी ट्राइंगल्स एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड. ओके, ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है वो फॉलो होगी यहाँ पे. नेक्स्ट वन है 4 मैथस्टिक्स से बन पाएगा? 4 मैथस्टिक्स, सो नो, विद द हेल्प ऑफ 4 मैथस्टिक वी कैन नॉट मेक दी ट्राइंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी. सी 5 मैथस्टिक से बन पाएगा? यस, कुछ इस तरह से बन पाएगा. यर आई ऑल्सो ड्रॉ दी फिगर फॉर दैट. एंगल्स हो जाएंगे उसके एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 6 मैथस्टिक से यस होगा एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल.
Here I also made the figure for that. And next one, exercise 5.8. In that question number 4. Draw a rough sketch of regular octagon and draw a rectangle by joining the exactly 4 of the vertices of the octagon. Okay? सबसे पहले हमें octagon बनाना है. So octagon that means, dear students, जिसकी 8 sides होगी, that is called octagon. And with the help of 4 points, we have to make the triangle. So here I made the octagon and give the name for that ABCDEFGH. And with the help of vertex ABFE, I made the triangle. Sorry, rectangle. Next, question number 5. A diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonals. Okay, so pentagon, that means, dear students, the shape which have five sides, that is called a pentagon. So here I draw the rough sketch of pentagon and give the name for that ABCDE. And here I also draw the diagonals of that. So here AD, SE, BE, BD, CA, CER, it's 5 diagonals. Okay, yes, sab iske diagonals ho jayenge. Next, exercise 6.1. Question number 1st, write the opposite of the following. Okay, increase in weight, the opposite ho jayega, decrease in weight. 30 km north, so 30 km south. 80 meter east, so 80 meter west ho jayega. Loss hai to profit, and above sea level hai to below sea level ho jayega. Second, represent the following numbers as the integers with the appropriate sign. Okay, we have to given the one sentence and from that we have to give the answer as in integers with appropriate sign. So first one is, aeroplane is flying a height 2000 meter above the ground. Ground se 2000 meter above, upar ki side hai, to kya ho jayega? Plus 2000, क्योंकि ऊपर की साइड है, नीचे की साइड होता तो माइनस हो जाता. A submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. Below the sea level है तो माइनस हो जाएगा. सो हो जाएगा माइनस 800. डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, डिपॉजिट यानी अकाउंट में हमने क्रेडिट किया तो प्लस 200. एंड विथड्रॉ रुपीज 700, विथड्रॉ दैट मीन्स हमने अकाउंट में से निकाले तो हो जाएगा माइनस 700. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 121. इन ईच ऑफ द पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. ओके, इसमें से कौन सा नंबर है वो दूसरे नंबर के राइट साइड में होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हम राइट साइड में मूव करेंगे तो कौन से नंबर की तरफ हम जाएंगे? ग्रेटर नंबर की तरफ. हमारी जो भी प्लेस है नंबर लाइन पे, वहां से इफ वी मूव टू द राइट साइड, दैट मींस वी हैव टू गोइंग फॉर द बिगर नंबर. एंड इफ वी मूव टू द लेफ्ट साइड, दैट मींस वी आर गोइंग फॉर द स्मॉलर नंबर. सो राइट साइड में जो गिवन नंबर है उसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा आंसर आएगा. फर्स्ट में 2.9, तो ग्रेटर नंबर 9 है. बी है -3 एंड -8, तो इसमें से ग्रेटर नंबर होगा -3. कंफ्यूज नहीं होना है, -3 ग्रेटर है -8 से. सी 0 -1, तो 0 है वो ग्रेटर है, उस तरह से सम करना है. सेवंथ क्वेश्चन, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर. ओके, यहाँ पे हमें पेयर दिया हुआ है, उसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे वो बताना है. तो फर्स्ट वन है 0 एंड -7, तो उसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 से -7 तक जाने के लिए, तो उसके बीच में वो दोनों नंबर नहीं लिखना है, 0 एंड -7 नहीं लिखना है, उसके बीच के सिर्फ नंबर. तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6. ओके, बी है -4 एंड 4, तो -4 से हम राइट साइड जाएंगे तो आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 8, राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20.
माइनस 20 से बड़े हो ऐसे हमें फोर इंटीजर्स लिखने हैं, ओके। तो माइनस 19, माइनस 18, माइनस 17, माइनस 16, ये माइनस 20 से ग्रेटर है, ऐसे इंटीजर्स है। राइट फोर इंटीजर्स लेस देन माइनस 10, लेस देन माइनस 10 तो हो जाएगा माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14। आप डियर स्टूडेंट आपकी तरह और कोई भी इंटीजर्स लिख सकते हो, सिर्फ उसको क्वेश्चन को फॉलो होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।